ಬದುಕುತ್ತೋ ಪೋರಾಡಿ ಗೆಲ್ಲಬಹುದು, ಅದೃಷ್ಟವಂತುಡ್ತೋ ಗೆಲ್ಲಬಲೇವು. नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ आपका अपना YouTube चैनल जिसका नाम है न्यू मूवीज अपडेट। दोस्तों, तेलुगु यानी टॉलीवुड इंडस्ट्री के मूवी भीष्मा रिलीज का 8 दिन कंप्लीट हो चुके हैं और आज इस वीडियो में आप लोगों को बताएंगे भीष्मा मूवी ने अपने 8 दिनों में इंडिया बॉक्स ऑफिस पे कितने करोड़ की बिजनेस की और इस फिल्म के अपने 8 दिनों का टोटल वर्ल्ड वाइड कलेक्शन कितना हो चुका है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं, देखते रहिएगा पूरा वीडियो। दोस्तों, भीष्मा मूवी रिलीज होते ही ताबड़तोड़ की कलेक्शन करना शुरू कर दी थी और फिल्म अपने पहले वीकेंड में सुपरहिट वाला बजट अपने नाम कर लिया था। बात की जाए दोस्तों इस फिल्म के स्टार कास्ट की, तो दोस्तों फिल्म के लीड रोल पे देखने को मिलेगा आपको नितिन और रश्मिका मंदाना को। बात की जाए दोस्तों इस फिल्म की बजट की, तो दोस्तों भीष्मा मूवी के प्रोडक्शन कॉस्ट यानी दोस्तों फिल्म बन के तैयार हुए है 30 करोड़ रुपए में। वही दोस्तों फिल्म के प्रिंट और पब्लिसिटी कॉस्ट 2 करोड़ रुपए, यानी दोस्तों नितिन एक्स्ट्रा मूवी भीष्मा के टोटल बजट है 32 करोड़ रुपए। जहाँ पे दोस्तों फिल्म का बजट है 32 करोड़ रुपए, वही दोस्तों फिल्म को बॉक्स ऑफिस पे हिट होने के लिए मिनिमम 40 से लेकर 45 करोड़ के ऊपर बिजनेस करने सही होते थे। लेकिन दोस्तों फिल्म ने अपने बॉक्स ऑफिस पे रिलीज होने से पहले ही फिल्म के डिजिटल राइट्स, सैटेलाइट राइट्स और म्यूजिक राइट्स को बेस कर लगभग 50 करोड़ की रिकवरी कर ली थी। बात की जाए दोस्तों बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की, तो दोस्तों नितिन एक्स्ट्रा मूवी भीष्मा ने अपने रिलीज के पहले दिन टोटल इंडिया बॉक्स ऑफिस में नेट कलेक्शन कर लिया था 9 करोड़ 50 लाख रुपए। वही दोस्तों फिल्म ने अपने दूसरे दिन पे इंडिया बॉक्स ऑफिस में नेट कलेक्शन कर लिया था 9 करोड़ रुपए। वही दोस्तों फिल्म के तीसरे दिन का कलेक्शन आया था 7 करोड़ रुपए। इसी तरह से दोस्तों फिल्म ने अपना पहला वीकेंड यानी 7 दिनों में टोटल इंडिया बॉक्स ऑफिस में नेट कलेक्शन कर लिया था 39 करोड़ रुपए। बात की जाए दोस्तों फिल्म के दूसरे वीकेंड की कलेक्शन यानी दोस्तों आज की कलेक्शन की, तो दोस्तों फिल्म के लिए आज है 8वें दिन, जो की रिपोर्ट की जानकारी के अनुसार आज इंडिया बॉक्स ऑफिस पे नेट कलेक्शन कर रहे लगभग 1 करोड़ रुपए। इसी के साथ दोस्तों भीष्मा मूवी के अपने 8 दिनों का टोटल इंडिया बॉक्स ऑफिस पे नेट कलेक्शन हो चुके हैं 40 करोड़ रुपए। वही दोस्तों फिल्म के अपने 8 दिनों का टोटल इंडिया ग्रॉस कलेक्शन हो चुके हैं 49 करोड़ रुपए। बात की जाए दोस्तों ओवरसीज मार्केट की, तो दोस्तों भीष्मा ने अपने 8 दिनों में ओवरसीज यानी इंडिया के बाहर से टोटल कलेक्शन कर लिया है लगभग 10 करोड़ रुपए। तो दोस्तों जब फिल्म के अपने 8 दिनों का टोटल इंडिया ग्रॉस कलेक्शन हो चुके हैं 49 करोड़ रुपए, वही दोस्तों फिल्म ने अपने 8 दिनों में ओवरसीज यानी इंडिया के बाहर से टोटल कलेक्शन कर लिया है 10 करोड़ रुपए। यानी दोस्तों नितिन एक्स्ट्रा मूवी भीष्मा ने अपने 8 दिनों में टोटल वर्ल्ड वाइड ग्रॉस कलेक्शन कर लिया है 59 करोड़ रुपए। तो दोस्तों यही था भीष्मा मूवी के अपने 8 दिनों का टोटल वर्ल्ड वाइड ग्रॉस कलेक्शन, जो की हो चुके हैं 59 करोड़ रुपए। तो दोस्तों अगर आप नितिन के फैन हो तो वीडियो को प्लीज एक लाइक करिए और आगे की बॉक्स ऑफिस खबरें के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहे। वीडियो को प्लीज एक लाइक करें। तब तक के लिए मिलता है अगले वीडियो में। टेक केयर, बाय।